रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत गदीरा गांव की महिला और उसके नवजात बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत गहिरा गांव की महिला और उसके नवजात बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। काफी हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को संभाला। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप जच्चा बच्चा गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत गहिरा गांव के रहने वाले। हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामला समझा बुझाकर किया शांत। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने, जिसके चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। समय पर गर्भवती महिला को ब्लड नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, ऐसा कहना है परिजनों का। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच करने का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में आए दिन किसी न किसी लापरवाही के चलते यह अस्पताल सुर्खियों में रहता है। कभी इलाज के नाम पर तो कभी डॉक्टरों द्वारा परिजनों के साथ मारपीट के लिए यहाँ के डॉक्टर सुर्खियों में रहते हैं। बुधवार की रात एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गहिरा गांव की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए परिजन मंगलवार की रात संजय गांधी अस्पताल में लेकर आए। यहां उसको भर्ती कराया, ब्लड भी चढ़ाया, साथ ही और ब्लड की डॉक्टरों ने मांग की। डॉक्टरों द्वारा एक बार ब्लड चढ़ाया गया था, बुधवार को दूसरी ब्लड चढ़ाने की बात कही और ब्लड ले लिया। परिजनों का आरोप है कि जरूरत पड़ने पर भी उसे ब्लड नहीं चढ़ाया गया, ब्लड रखा रह गया जबकि हमने ब्लड दे दिया था। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और यह हंगामा घंटों चला। परिजनों का हंगामा के बाद अस्पताल प्रबंधन एक्टिव हुआ, मौके पर पहुंचा, परिजनों को समझाइश देते हुए मामले की जांच कराने की बात कहते हुए परिजनों को शांत कराया। इस बारे में हमने मृतक के परिजनों से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, अस्पताल प्रबंधन ने हमारी परिवार की डिलीवरी होने वाली थी महिला की, हमने वहां एडमिट कर रखा था, उन्होंने खून मांगा था, उन्होंने जितना खून कहा था हमने उनको लाकर दे दिया था। एक बार उन्होंने खून चढ़ाया, दोबारा बुधवार को खून चढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने खून ले लिया, उस खून को चढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से साफ लापरवाही सामने नजर आ रही है। खून न चढ़ाने की वजह से हमारे घर की महिला, हमारे घर के बच्चे की मौत हुई है। सीधा सीधा डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। डॉक्टरों की लापरवाही, इतने बड़े अस्पताल में इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब परिजन वहां पर हंगामा करने लगे तो अस्पताल प्रबंधन एक्टिव हुआ, वहां पर पहुंचा, उन्होंने डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही, परिजनों को समझाया, मामले को शांत कराया। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर परिजनों ने हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। परसों ब्लड लाए थे विंध्या से, बोले थे तो वहां से लाया, तो वो ब्लड चढ़ गया है। कल हमारा 12 बजे ब्लड यहां आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की वजह से हमारा ब्लड नहीं चढ़ा है। हम जाके पर्ची यहां जमा किए हैं, पर्ची वहां से लगा दिए हैं। वो बोला, मैडम बोली कि आज नहीं चढ़ेगा, अब कल चढ़ेगा। हमको वहां से हड़क दी थी मैडम, एक भगा दी थी। फिर हमारे मामा का लड़का एक साथ में आया, वो भी हाथ जोड़ा, तो भी बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब डिलीवरी हो जाएगी, जब इसके बाद चढ़ेगा, कल चढ़ेगा। फिर हम क्या करें सर, आज मौत हो गई डॉक्टरों की लापरवाही से। ऐसे आज मौत हो गई।